नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 नवंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। HRDC ने मांगा 14 करोड़ रुपए का किराया, PM मोदी की रैली के लिए भेजी गई थी बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने संबंधित जिला प्रशासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए भेजी गई बसों का किराया मांगा है। ये राशि 14 करोड़ रुपए से अधिक है। निगम प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन को किराए के बिल भेजे है। आचार संहिता से पहले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हुई थी। लोगों को रैली स्थल पर ले जाने और छोड़ने के लिए HRDC की ओर से 2728 बसें मुहैया करवाई गई थी। परिवहन निगम की माने तो बिलासपुर के लिए गई 1597 बसों का किराया 7,13,10,953 करोड़ रुपए बनता है, जबकि ऊना जिले के लिए भेजी गई 422 बसों का किराया 1,95,58,261 रुपए बनता है। चंबा के लिए गई 709 बसों का किराया 5,79,27,138 करोड़ है। कुल मिलाकर 14,87,96,352 करोड़ रुपए किराया बनता है। HRDC प्रबंधन ने संबंधित जिला प्रशासन से जल्द राशि जारी करने की गुहार लगाई है। वित्त मंत्रियों की बैठक 25 को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 25 नवंबर को बजट पूर्व बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। नई दिल्ली में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें भी बतौर वित्त मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि प्रदेश में वित्त विभाग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय 25 नवंबर को अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेगा। इस संबंध में हिमाचल से संबंधित सुझाव लेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस प्रस्तावित दिल्ली दौरे के लिए चुनाव आयोग से उनके दिल्ली जाने की और सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी गई है। यह अनुमति मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मांगी है। वित्त मंत्रालय के विभिन्न हितधारकों और राज्यों के अन्य मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक का यह दौर 21 नवंबर से शुरू होगा। नौकरी NHM के 983 पदों को भरने के लिए हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने निर्वाचन आयोग से मांगी मंजूरी। हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत विभिन्न श्रेणियों के 983 पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के चलते ये मामला लटका हुआ है। विभाग NHM के तहत इन पदों को भरने की तैयारी में है। ये भर्तियां अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक के माध्यम से करवाई जानी है। भाजपा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। NHM की ओर से इसकी सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन पदों को भरने के लिए 20 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 2 अक्टूबर तक चली। अटल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी की अधिसूचना के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 723 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा स्टाफ नर्स के 169 पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर के 65 और लैब तकनीकी सहायक के 36 पद भी शामिल है। इन भर्तियों के लिए आगे की प्रक्रिया पर 14 अक्टूबर को हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण ब्रेक लग गया है। इसे देखते हुए निर्वाचन विभाग से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी मांगी गई है। खबर हाईकोर्ट से महिलाओं को 50% बस किराए में छूट देने के मामले में फैसला सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं को HRDC की बसों में 50% बस किराए में छूट देने के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुभरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने निजी बस ऑपरेटर संघ का विवरण और उनका क्षेत्राधिकार जानने के लिए मामले पर दोबारा सुनवाई की। गौरतलब है कि सचिव परिवहन और निदेशक परिवहन अदालत को अवगत करवाया था कि महिलाओं को बस किराए में छूट देने का निर्णय कैबिनेट का है। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने महिलाओं को बस किराए में छूट देने का फैसला लिया। निजी बस ऑपरेटर संघ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है, जबकि महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर किराया होना चाहिए। पथ परिवहन निगम की ओर से ग्रीन कार्ड जारी करने को भी प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। दलील दी गई है कि पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं देने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। खबर बिलासपुर से आचार संहिता उल्लंघन मामले में स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिया जवाब। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मिले नोटिस का जवाब स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष ने उच्च शिक्षा निदेशक को भेज दिया है।
बोर्ड के अध्यक्ष पर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की बैठक में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में उन्हें उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से कारण बताओ नोटिस बुधवार को जारी किया गया था। नोटिस में स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी को बताया गया कि शिक्षा विभागों के खिलाफ एक शिकायत मिली है। शिकायत में उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि उन्होंने घुमारवी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग के पक्ष में आयोजित एक राजनीतिक बैठक में भाग लिया। एक सरकारी संस्थान से जुड़े होने के नाते ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब उच्च शिक्षा निदेशक को भेज दिया है। श्रद्धा हत्याकांड, हिमाचल के नान में युवाओं का प्रदर्शन, दोषी को फांसी देने की मांग। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की आंच नान में भी पहुंच गई है। शहर के युवाओं ने श्रद्धा हत्याकांड के खिलाफ वीरवार को शहर में प्रदर्शन किया। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले दिल्ली गेट पर श्रद्धांजलि समारोह भी हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2022 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 10 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक दो शिफ्टों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 2 से 4:30 बजे तक आयोजित होने वाली है। खबर मनाली से, होटल की फर्जी वेबसाइट बनाकर लूटे जा रहे सैलानी, प्रबंधक ने की शिकायत। देश विदेश से पर्यटन नगरी मनाली में घूमने के लिए आने वाले सैलानियों से ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी का गोरख धंधा फल फूल रहा है। होटलों की फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों के साथ ही होटल संचालकों को भी चपत लगाई जा रही है। हाल ही में मनाली में इस तरह का मामला सामने आया है। होटल संचालक की शिकायत पर मनाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया और मामले की छानबीन की जा रही है। आरोप है कि नकली वेबसाइट बनाकर बुकिंग कर तमाम राशि अनजान व्यक्ति के अकाउंट में जा रही है। मनाली में पर्यटकों की पूरा साल चहलकदमी रहती है। पर्यटक होटलों में ऑनलाइन एडवांस बुकिंग कर पहुंचते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही साइबर ठग गिरोह भी सक्रिय हो गया है। पर्यटन कारोबारी के होटल के नाम से चल रही वेबसाइट की फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों को ठगा जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि होटल में बुकिंग की राशि गूगल पे पर मांगी जा रही है। UDIS रिपोर्ट, हिमाचल में एक एक कमरे में चल रही है 338 प्राइमरी और 216 मिडिल स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 338 प्राइमरी और 216 मिडिल स्कूलों के पास सिर्फ एक एक कमरा है। इन एक एक कमरों में पहली से आठवीं कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। 7 प्राइमरी और 3 मिडिल स्कूल ऐसे भी है जिनके पास कोई कमरा ही नहीं है। यहाँ खुले मैदान में बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। शिक्षा विभाग की UDIS रिपोर्ट 2021-22 में सरकारी स्कूलों की बदहाली के आंकड़े सामने आया है। हिमाचल यूनिवर्सिटी को UGC से नहीं मिलेगा फंड, CGPA कम होने से बड़ी टेंशन। HPU का CGPA कम होने के कारण UGC से फंड नहीं मिलेगा। NAC की टीम ने यूनिवर्सिटी के CGPA को इस बार कम कर दिया है। जहां यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड की उम्मीद कर रही थी, वहीं उल्टा NAC की टीम ने CGPA ही कम कर दिया है। वर्ष 2016 में NAC ने यूनिवर्सिटी को 3.21 CGPA के साथ A ग्रेड दिया था, जबकि इस बार ग्रेड तो बरकरार रखे लेकिन CGPA को कम कर दिया गया है। इसके पीछे यूनिवर्सिटी में छात्रों को सुविधाएं ना देना सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से, तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा की डेट शीट जारी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियों में संशोधन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड सचिव मधु चौधरी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रातःकालीन सत्र में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर ये डेट शीट उपलब्ध करवा देगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। वेदर अपडेट, चोरधार यात्रा पर रोक, जलोड़ी दर्रा बसों के लिए बहाल। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद सिरमौर जिला प्रशासन ने चोरधार यात्रा पर रोक लगा दी है। करीब 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चोरधार में 14 नवंबर को 15 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने यात्रा को आगामी आदेशों तक रोक दिया है।
खबर ऊना से सहकारी सभा के साचे प्रधान समेत 5 पर 74 लाख के गबन का केस। बहुचर्चित नंगल सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा समेत में करीब 74 लाख रुपए की जमा पूंजी के गबन मामले में विजिलेंस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों में सभा के सचिव धीरज कुमार, प्रबंध कमेटी के प्रधान रघुवीर सिंह, उप प्रधान इकबाल सिंह, कोष अध्यक्ष योगराज व सचिवाल शामिल है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। सहकारी सभा के ऋण व खाता धारकों और ग्रामीणों ने मिलकर संघर्ष कमेटी के माध्यम से सहायक पंजीयक विभाग के पास शिकायत सौंपी थी। मंडी में नकली बोतल बंद पानी बनाने वाले दो उद्योगों का पर्दाफाश, भारतीय मानक ब्यूरो ने दी दावेश। भारतीय मानक ब्यूरो के हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में छापा मारकर नकली बोतल बंद पानी का उत्पादन करने वाले दो उद्योगों का पर्दाफाश किया है। उत्पादकों पर आरोप है कि VIS एक्ट 2016 और FSSAI एक्ट की अवहेलना कर बोतल बंद पानी बनाया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह के बिना बोतल बंद पानी का उत्पादन और बिक्री अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख कुमार अनिमेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सर्च एंड सीजर अभियान के तहत ये छापा मारा गया है। योग में दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले दर्ज, एक हुई गर्भवती। ऊपरी शिमला के टियोग में दुष्कर्म के दो मामले सामने आए हैं। पहले मामले में जहां आरोपी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया, तो वहीं दूसरे मामले में एक नाबालिग लड़की से वाहन में लिफ्ट देने के बहाने 10 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में एक 16 साल की लड़की दुष्कर्म का शिकार बनी है। मामले के अनुसार अगस्त माह में मतियाना के युवक ने उक्त लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। परिजनों को पीड़िता के गर्भवती होने का पता उस समय चला जब उसे पेट दर्द के चलते टियोग सिविल अस्पताल में जांच के लिए लाया गया। मामले को लेकर पुलिस ने धारा 376 IPC व 4 पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरा मामला भी टियोग में ही सामने आया है, जहां सैन से 6 माह पूर्व एक युवक लड़की को लिफ्ट देने के बहाने किन्नौर ले गया और 10 दिन तक रिकांगपियों में रखकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में ये भी कहा गया कि लिफ्ट देने के दिन ही पहले गाड़ी में ही रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने IPC की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जुंगा के नेहरा में दिन दहाड़े चोरी, घर से लाखों के आभूषण और नकदी ले उड़े चोर। जुंगा के तहत आने वाले क्षेत्र नेहरा में दिन दहाड़े एक घर से चोरी की वारदात सामने आई है। यहां छात्रों ने घर के अंदर रखे ट्रंक के तारे तोड़कर लाखों रुपए के आभूषणों सहित 17,000 रुपए की नकदी पर भी हाथ साफ किया है। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। खबर IIT मंडी से, पढ़ाई के दौरान इन नामी कंपनियों में नौकरियों के ऑफर, माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही देश की नामी कंपनियों में नौकरी प्री प्लेसमेंट के ऑफर मिल रहे हैं। सत्र 2022-23 16 नवंबर 2022 तक में 69 PPO मिल चुके हैं, जो कि पिछले सत्र के मुकाबले 23% से अधिक है। सबसे अधिक 11 नौकरियों के ऑफर IIT कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट दे रही है, जबकि उबेर सबसे अधिक पैकेज दे रही है। शिमला में नोटों से भरा बैग लेकर भागा बंदर, BSNL ऑफिस में बिल जमा करवाने आए शख्स पर हमला। राजधानी शिमला में बंदरों का तंग लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक उत्पाती बंदर 75,000 रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गया। ये बैग BSNL कार्यालय में बिल जमा करवाने के लिए आए एक व्यक्ति का था। लोगों के बीच बचाव के बाद बंदर से 17,000 रुपए तो हासिल कर लिए, लेकिन बाकी नोटों का पता नहीं चल पाया। बैग छीनने के बाद उत्पाती बंदर ने कई नोट भी फाड़ दिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर